हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल आईडी कर्मा और मैं प्रदीप वर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम लोग 10th डे पे हैं और काफी सारे बच्चे अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि सर बनने लगा है, कई सारी समस्याएं थी जो अब क्लियर हो रही हैं, क्योंकि हम लोग यहां पर केवल न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, न्यूमेरिकल में जो कॉन्सेप्ट हैं कई इस तरीके के प्रॉब्लम जो हम अपने सामने आपके सामने मैं रख रहा हूं, जेई मेंस के तीन कंसेप्ट मिलके एडवांस का तीन या चार कंसेप्ट मिलके एडवांस का एक क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर जब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके जरिए हम काफी सारी टेक्निक जो जेई मेंस में लगने वाली है वो तो होती है, साथ में हमारे पास थियोरेटिकली ये लॉजिक क्लियर हो जाता है कि कौन सा कंसेप्ट कब और कैसे यूज होना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका फायदा होता रहे इसलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोगों ने क्वेश्चन लगा लिए होंगे, प्रैक्टिस सीरीज लगा ली होगी। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत बढ़िया सीरीज चल रही है अभी तक। इफ एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल सच दैट एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स एंड एच डैश एक्स इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स एंड एच की वैल्यूज दी रखी है और हमसे पूछ रहा है कि ये कितने डिग्री का है एच एक्स, ठीक है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं, मतलब हमें कुल मिला के एच एक्स निकालना है। अगर आप एच एक्स निकाल लें तो चारों ऑप्शन में से क्या सही है हम देख सकते हैं। ठीक है, तो एच एक्स निकलेगा कैसे? अगर डेरिवेटिव दिया हुआ है एफ डैश और जी डैश का तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं एच डैश एक्स लेते हैं। देखते चलना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स, नाउ डिफ्रेंशिएट। मैंने इसमें एच डबल डैश एक्स किया, कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ एक्स बाय चेन रूल, इट विल बी twice of fx into f dash x and plus twice of gx into g dash x. Agree? Now, अब observe करो f dash x की जगह हमें क्या दिया हुआ है gx, तो f dash x की जगह मैंने gx डाल दिया, तो ये हो गया fx into gx. अब twice of gx, ठीक है, अब g dash x हमें नहीं दिया हुआ है तो g dash x निकालने के लिए मैं इसका दोनों तरफ differentiate करूंगा अगर, तो एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा जी डैश एक्स हो जाएगा और एफ डबल डैश एक्स कितना है दोस्तों एफ डैश एक्स माइनस ऑफ एफ डैश एक्स है, तो मींस जी डैश एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं माइनस एफ डैश एक्स, सो इट इज माइनस एफ एक्स। अब आपको दिखना चाहिए कि यह है ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, इट इज माइनस, बाहर आ जाएगा माइनस, तो माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स जी एक्स मीन्स एच डबल डैश एक्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज जीरो, एस डबल डैश एक्स हमेशा के लिए जीरो है। इसका मतलब ये एक इसका किसी भी फंक्शन का एक्स की किसी वैल्यू के लिए अगर डबल डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, इसका मतलब इसका जो सिंगल डेरिवेटिव था वो कांस्टेंट होगा। अरे इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, और अगर आप फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो मैं कहूंगा एच एक्स जो है वो लीनियर इक्वेशन है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है जीरो होता है। ठीक है, कुछ नहीं, हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, इंटीग्रेट किया, फिर से इंटीग्रेट किया, यहां तक पहुंचेंगे। नाउ के और सी की वैल्यू निकालने के लिए दो केस दिए हैं, पुट करें एंड एंजॉय। एक्स की वैल्यू मैंने जीरो रखी तो एच ऑफ जीरो कितना है टू, तो ये टू, ये जीरो, ये सी, सी की वैल्यू आ गई है बच्चों टू। देन एक्स की वैल्यू हमने क्या रखी वन रखी, तो एच ऑफ वन दिया है फोर, तो ये हो जाएगा फोर, यहां पर वन, तो के और प्लस सी की जगह टू, तो के की वैल्यू भी कितनी आ रही है टू आ रही है, पुट कर दें। अब ऑब्जर्वेशन से जाएं, क्या दिया हुआ है 2x plus 2 आ गया, हमारे पास फंक्शन आ गया है। नाउ डिग्री 2 का है बिल्कुल नहीं, डिग्री 1 का है, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर जो आ रही है पॉलिनोमियल में। अकर पासिंग थ्रू ऑरिजिन, नहीं, ऑरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप 2, बिल्कुल सही है। अ स्ट्रेट लाइन विथ वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस 2, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स की वैल्यू जीरो करेंगे तो वाई की वैल्यू, अगर हम इसे वाई लिख दें 2x plus 2, तो x की वैल्यू जीरो होती है y इंटरसेप्ट पे, तो y की वैल्यू टू नहीं टू आ रही है, माइनस टू नहीं आ रही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो आंसर विल बी सी, सबको समझ में आया होगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल दी हुई है, अब इसमें a का भी कुछ ना कुछ यूज है, ठीक है, तो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर एक्स इक्वल टू 1/2 एफ डैश एक्स। अब देखो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि एफ एक्स नॉट डिफाइन होगा, क्यों, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा डिफाइन होती है। दूसरा एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन, पॉसिबल ही नहीं, पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव पॉलिनोमियल ही होता है तो वो भी डिफाइन होगा, तो ये ऑप्शन हम देख के ही रिजेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास केवल ये ऑप्शन हो सकते हैं कि ये क्या होगा। अब
अगर मैं इसको डेरिवेटिव करता हूं तो मैंने एफ डैश एक्स किया डिफरेंशिएशन। मैंने आपसे बोल रखा है दो क्वेश्चन आपको जेई मेन से थोड़े ऊपर मिलेंगे और तीन क्वेश्चन सॉलिड वाले होंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स कितना है 12x² - 12x cos 2a एंड प्लस 3 sin 2a इंटू कॉस सॉरी sin 6a, ठीक है। ये अपन यहां तक आ गए। अब 1/2 पे बात चल रही है तो पहले अपन को a की वैल्यू निकालनी चाहिए। अब a के लिए इसने कंडीशन दी है रूट के अंदर है तो यहां पे पहले a का रेंज निकालते हैं अपन। कैसे a की रेंज निकलेगी? रूट के अंदर की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो 2a - a² क्या होना चाहिए? ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो। अगर आप लॉग हटाएंगे ये e की पावर 0 1 हो जाएगा तो 2a - a² की वैल्यू क्या आ रही है? ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, ठीक है। और लॉग के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए तो लॉग के अंदर है 2a - a² क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। दो केस बनाए हमने, एक रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 और एक लॉग के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव। दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो ये ही रहेगा। क्यों? ये 0 ये 1। 1 क्लोज से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर, कॉमन क्या है? 1 क्लोज से ग्रेटर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो a की रेंज आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इसको सॉल्व किया, क्या बन गया ये? इसको उधर ले चलते हैं तो a² - 2a + 1 < 0। सो a - 1 होल स्क्वायर < 0। इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, a इज रियल एंड इट इज परफेक्ट स्क्वायर। सो वी कैन से इट विल नेवर बी निगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो। अब ये कह रहा है a की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए निगेटिव हो, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन ये 0 हो बिल्कुल, a की वैल्यू a - 1 होल स्क्वायर केवल 0 हो सकता है। अभी कब हो सकता है? 1 पे। तो a की फिक्स वैल्यू है 1। 1 जब आप यहां पर रखेंगे तो बच्चों वो रेडियन बन गया, रेडियन में बन गया, डिग्री में नहीं है। तो ये ऐसा आ गया 12x² - 12x cos 2 + 3 sin 2 - sin 6, ठीक है। अब वैल्यू डाले 1/2, ठीक है। अब 1/2 डालते हैं, देखें 1/2 डालेंगे ये हो जाएगा 3 - 1/2 डाला ये 6 cos 2 एंड प्लस 3 sin 2 cos 6, ठीक है। इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो 1 - sin 2 - sin 6 और -6 sin 2। अब देखो भाई cos 2 का मतलब क्या है? व्हाट इज cos 2? मैं आपको अलग से लिख देता हूं, जैसे पाई बाई 2 होता है, 2 पाई की वैल्यू रेडियन में होती है 6.28, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। इरेशनल नंबर है, रेशनल में रखें तो अप्रोक्सीमेट 6.28। इसका हाफ करेंगे सो 3.14 अप्रोक्सीमेट पाई, पाई बाई 2 इसका भी हाफ कर दो सो इट इज 1.57। ये याद रखते हैं, हमेशा काम आता है, ठीक है। एंड 3π/2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4.71, ठीक है। तो अगर आप देखें कि पहले अपन cos 2 देखते हैं तो 2 किसके बीच में आ रहा है? 2 आ रहा है पाई बाई 2 से पाई के बीच में, तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में कहीं 2 रेडियन आ रहा होगा। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट होगा पाई बाई 2 से पाई के बीच में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा? नेगेटिव। तो cos 2 एक नेगेटिव क्वांटिटी है, माइनस साइन लग गया तो मतलब यह पूरी क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव है, पहली बात। फिर साइन टू क्या होगा? पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। और 6 कहां जाएगा? देखो 3π/2 है 4.71 और 2π है 6.28, तो 4.7 और 6.28 के बीच में आ रहा है क्या? 6। इसका मतलब और 3π/2 से 2π कहां, किस क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 6 क्या होगा? नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है तो इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और माइनस साइन लगा है तो ये पूरी ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो ये पूरा पॉजिटिव इंटू माइनस, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पूरी क्वांटिटी क्या आ रही है? पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं एफ डैश 1/2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, डी ऑप्शन सत्य है। मेरे ख्याल से सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आराम से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें एफ एक्स दिया है, सब लोगों ने ट्राई किया होगा मेरे ख्याल से, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, एच एक्स दिया है, की एक्स दिया है, और ये हमसे चाहता है देन इन बिटवीन 0 to 1, मतलब x की वैल्यू 0 to 1 पे लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अब लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल कब होती है? उसका रिजल्ट तो वो होता है कि f(x) = f(b - f(a) - a। हम रिजल्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि उसकी एप्लीकेबल, उसकी कंडीशन क्या क्या होती है। तो पहली कंडीशन होती है f इज कंटिन्यूअस
इन बिटवीन ए टू बी, तो ए टू बी की जगह जीरो टू वन दिया है, ठीक है। फिर होता है एफ इज डिफरेंशिएबल, मतलब जो भी फंक्शन हो, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन, और एफ ऑफ ए सॉरी एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। लेकिन अब ये होगा भी, अगर ये इक्वल टू भी होगा तो रूल्स लगती आती है, ठीक है। तो रोल्स इज अ स्पेशल केस ऑफ एलएमवीटी। तो अगर आप एलएमवीटी के अंदर रोल्स को भी लेते हैं, मतलब एफ ऑफ ए बराबर भी कर देते हैं एफ ऑफ बी के, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे भी हम एलएमवीटी बोल सकते हैं, बिकॉज रोल्स इज अ स्पेशल केस ऑफ एलएमवीटी, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर चेक करना शुरू करो, इसको देखो एक्स की वैल्यू पावर क्या है, टू होल स्क्वायर। अगर यह क्वांटिटी निगेटिव भी हुई, अगर यह क्वांटिटी जीरो से बनकर निगेटिव भी हुई, तो उसका स्क्वायर होके वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब रूट के अंदर क्वांटिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो भाई ये डिफाइन तो ये कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो एफ डैश एक्स ये बनेगा ये जीरो माइनस टू बाय थ्री और होल पावर माइनस वन बाय थ्री हो जाएगा, मतलब ये ऐसा आ जाएगा वन बाय एक्स माइनस एक्स होल पावर वन बाय थ्री। इसका डिफरेंशिएशन ऐसा बनेगा, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है कब, 1 by 2 पे, which is lie between 0 to 1. इसका मतलब इसका f dash x define नहीं होगा, function non-differentiable होगा, it is non-differentiable. और function differentiable होना चाहिए 0 से 1 के बीच में, तो भाई ये applicable नहीं है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी applicable नहीं है, तो एक तो f हो गया, तो f इसमें आ रहा है, f इसमें आ रहा है, मतलब आंसर a या c में से कोई एक होगा। अब देखो अगर आप चाहो तो g को चेक करो, अदरवाइज तुम्हें दिख रहा है इन दोनों से अगर एक है, एक में एच है एक में एच नहीं है, तो हम एच को डिफाइन कर लेते हैं। एच का ग्राफ आपको आता है फ्रैक्शन पार्ट, है चलता है जीरो और वन, ठीक है जीरो से वन के बीच में। तो हम कहेंगे जीरो से वन क्लोज पे फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, नहीं है। वन पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। वन क्लोज का मतलब, वन क्लोज का मतलब होता है इक्वल टू वन पे जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ या जी है एच है, तो h ऑफ 1 माइनस 1 से छोटा, 1 से बड़ा ले नहीं सकते, तो h ऑफ 1 माइनस की वैल्यू अगर h ऑफ 1 के बराबर होगी तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो h ऑफ 1, 1 से अगर मैं जरा सा छोटा लेता हूं तो वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करती है, ठीक है ये 1 की तरफ अप्रोच करेगी, और एग्जैक्टली 1 पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एनी इंटीजर इज जीरो, तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो भाई ये डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब इसकी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब नॉट एप्लीकेबल है इसमें मीन वैल्यू थ्योरम, इसका मतलब ये भी होगा। तो मतलब आंसर एफ जी और एच होगा। आप जी को चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं जीरो माइनस और जीरो प्लस पे। अगर मैं जी को भी बता दूं तो जीरो माइनस और जीरो प्लस, जीरो माइनस पे मॉड डायरेक्ट, पहले लिमिट हटाने से पहले मॉड हटता है, जीरो माइनस पे माइनस वन होगा तो ये हो गया टेन ऑफ माइनस वन और बाय जीरो। अब जीरो माइनस पे ये माइनस टेन वन, टेन वन पॉजिटिव क्वांटिटी होगी एंड दिस इज जीरो माइनस, सो इट इज इंफिनिटी, अप्रोचिंग टू इंफिनिटी बन रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, आपको जीरो प्लस देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर फोर, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है जेई में आईटी रुड़की का क्वेश्चन है शायद पुराना, ठीक है। टू कर्व सी वन एंड सी टू के रियल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं, तो मैंने ग्राफ जनरेट किया, देखो कैसे ग्राफ बना सकते हैं, आप लोगों को ग्राफ आता है। पहला ग्राफ मैं बनाता हूं किसका, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो एक्स स्क्वायर ऐसा बन रहा होगा माइनस थ्री, मतलब ग्राफ नीचे जाएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा है, ये ग्राफ बन गया, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये रूट थ्री होगा, ये माइनस रूट थ्री होगा और ये माइनस थ्री, यहां तक आ गए। अब दूसरा ग्राफ हम बनाते हैं किसका, के एक्स स्क्वायर, तो मान लेते हैं के पॉजिटिव है फिलहाल मान लें, ठीक है इसमें दिया तो नहीं है, लेकिन के कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा होगा, कुछ इस तरह का, ठीक है ऐसा मान लेते हैं। ये दोनों ग्राफ बन गए, के एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, दिस इज वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एंड दिस इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब क्या करें, अब चेक करो, अब ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं टू डिफरेंट पॉइंट, ऐसा बना लिया हमने, द टेंजेंट एट पॉइंट सी टू, C1 कौन था, ये C1 था बच्चों, दिस इज C1 एंड दिस इज C2, C2 पे कोई पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है, C2 के किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की और इसने किस पे कट किया है, C1 पे, ठीक है। C2 एट एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट A था,
ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट था और इस पर C2 ये C2 था बेटा बच्चों, तो C2 पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की है एट पॉइंट ए कॉमा वाई वन, ठीक है। मीट C1 को जो मीट कर रहा है अगेन एट पॉइंट, अच्छा ये थोड़ा सा मैंने उन्होंने जैसा बनाया है हम वैसे ही बनाएंगे, ठीक है, हम थोड़ा सा ऐसे फिर चेंज करते हैं, इस तरह का बनाते हैं कि भाई वो आपको फील भी दे, ठीक है, ये ऐसा कुछ बन रहा होगा। तो यहां पर अब मैं टेंजेंट बनाता हूं, मैंने ये टेंजेंट बनाई, ये ऐसी टेंजेंट जा रही है जो कि यहां पर बी पर कट कर रही है, बी पॉइंट पर कहीं कट कर रही है और बी पॉइंट C1 पर बी पॉइंट है 1, y2, ठीक है। अब सबसे पहले क्या क्या कर सकते हैं, देखो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, कौन सा a, y1 दोनों में पुट करो तो y1 इक्वल टू हो गया a² - 3 और y1 इक्वल टू हो गया ka² ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, y1 दोनों का कॉमन वैल्यू है तो k की वैल्यू ka² = a² - 3, तो मैं कह सकता हूं k की वैल्यू कितनी आ गई या a स्क्वायर किसकी वैल्यू निकालनी है, a की निकालनी है तो k की वैल्यू पहले निकाल लो a² - 3 / a² ये आ गई k की वैल्यू। अब किस पर टेंजेंट है, C2 पॉइंट पे, तो C2 पॉइंट पे टेंजेंट के लिए डिफरेंशिएशन करो, तो dy/dx किया, C2 का डिफरेंशिएशन इट इज 2kx, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है a, तो इसका स्लोप आ गया कितना 2ka, ठीक है। और ये किससे, यही टेंजेंट कौन सी दो पॉइंट रखती है, यही टेंजेंट क्या रख रही है, दो पॉइंट रख रही है, तो इन दोनों पॉइंट से भी हम इसी टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं, ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप y2 - y1 / x2 - x1 करके निकाल सकते हैं। तो मैंने लगाया दिस इज ऑल्सो इक्वल टू y2 - y1, हम पहले भी कर चुके इस तरह के क्वेश्चन, एंड x2 - x1। अब क्या तुम y2 की वैल्यू निकाल सकते हो, तुम y2 की वैल्यू निकाल सकते हो, क्यों, इसमें x की वैल्यू क्या रखनी है 1, तो अगर आप यहां पे 1 रखते हैं तो y2 इक्वल टू होगा 1 - 3 मतलब -2, तो y2 की जगह आ गया -2। और y1 की वैल्यू कितनी थी, y1 की वैल्यू आप ये रख दें या ये रख दें जैसा आप चाहें, मैंने a² - 3 रख दी, ठीक है, होल अपॉन a - 1, तो बच्चों ये कितना हो गया, ये थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 - a हो गया ना, हाँ 1 - a² / a - 1, ठीक है, y2 - y1, अच्छा ये 1 - a था, y2 - y1 x2 - x1, सो इट इज 1 - a, ठीक है, मैं इसे करेक्ट कर देता हूं, 1 - a, दिस इज नाउ 1 - a, ठीक है, 1 - a, 1 - a, तो एक कट जाएगा, तो 1 + a बचा और इधर आ गया 2ka। अब k की वैल्यू यहां से उठा के इसमें रख दें तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू निकालनी है तो 2a (a²-3)/a² = 1 + a, एक a से a कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2a² - 6 = a + a² दिस विल बी a² - a - 6, तो यहां पर a - 3 एंड a + 2 फैक्टराइज हो रहा है और एक ही सुंदर सी दो वैल्यू आ रही है a = -2 और 3। अब ये बोल रहा है ये पॉजिटिव है तो ये लेंगे नहीं, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, आपको समझ में आया होगा, शानदार प्रॉब्लम है, ठीक है। कैसे क्या बनाया, तो सबसे पहले जो आपने देखा है एक बार वीडियो दोबारा देखिएगा तो पक्के से समझ में आएगा आपको, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, के एलिमिनेट करने का तरीका था हमारे पास, कैसे किया है दोबारा रिपीट कीजिएगा वीडियो को, आइए आगे बढ़े। देन दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज, इसमें दिया हुआ है fx इंटीग्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन, दिस दिया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कह रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो मैंने डिफरेंशिएशन किया dy/dx या f'(x) कुछ भी ले लें आप, f'(x) भी बोल सकते हैं, तो इससे क्या होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, बिकॉज व्हाट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इट इज एंटी डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करा तो वो हट गया, तो ऐसा बचा है 2 - 1/(1 + x², काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लिया होगा मुझे उम्मीद है। इसका डोमेन बच्चों ऑल रियल है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो होगा नहीं, 1 + x² कभी जीरो नहीं होते, ठीक है। अब खास बात यह है ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ये विदाउट रूट है ये विद रूट है, इससे ज्यादा अंतर नहीं है, तो अगर आप ध्यान से देखें मुझे ये निकालना है ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है या कभी कुछ हो रहा है, तो मैं कहता हूं मैं निगेटिव क्वांटिटी मैंने ऐसे लिख लिया 2 - 1/(1 + x²) + 1/(1 + x², हम क्या करते हैं इसे निगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं,
ये क्वांटिटी नेगेटिव कब होगी, जब ये जो क्वांटिटी है जो माइनस साइन लगा, ये क्वांटिटी 2 से बड़ी हो जाए। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यार जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे अगर 2 सबट्रैक्ट होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 आ जाती है या 6 आ जाती है, तो क्वांटिटी नेगेटिव होगी। तो हम समझ जाएंगे कि dy dx नेगेटिव तो हो रहा है, पॉजिटिव तो हो ही सकता है, मैं तो 0 डाल दूं अगर तो 0 हो रहा है, आप 1/2 डाल दीजिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन बनेगा। अगर आपने कोई भी वैल्यू इसकी बढ़ाई, x की वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी रखा, तो ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन का सम कभी 2 से बड़ा नहीं हो पाएगा, दो फ्रैक्शन का सम कभी 2 से बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक फ्रैक्शन को 1 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, या एक को 1 होना पड़ेगा, दूसरे को 1 से बड़ा, तब कहीं जाके ये 2 से बड़ा हो पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो पहले मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछता हूं, दोनों सेम तरीके से निकलेंगे, ये रूट के साथ है, विदाउट रूट है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/1 x² की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए डिनोमिनेटर को मिनिमम बनाना पड़ेगा। अगर हम इसका मैक्स चाहते हैं तो इसके लिए डिनोमिनेटर जो है वो मिन होना चाहिए, हमें किसका मिनिमम देखना पड़ेगा, 1+x² का। ठीक है, अब 1+x² की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें x² की मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी, और x² की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, x² नेगेटिव तो होता नहीं है। तो अगर मैं x² की जगह 0 लिखता हूं तो ये क्वांटिटी क्या दे रही है, मिन, और ये मैं यहां पर रखता हूं तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1/1 + 0 मींस 1। तो ये जो है ये 1 होगा या 1 से छोटा होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और दोनों का एक्सप्रेशन सेम है, तो सेम टाइम पे जब ये 0 हो रहा है और इसमें 0 रखूंगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, तो इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब ये 1 या 1 से छोटा है, ये भी 1 या 1 से छोटा है, तो इनका एडिशन, सॉरी छोटा, लेस, ठीक है, इट इज लेस देन, इट इज ऑल्सो लेस देन 1, तो इनका सम जो आएगा, इनका जो सम आ रहा है ये 2 या 2 से छोटा आ रहा है। ठीक है, किसका, 1/1 x² + 1/√1 x², ये दोनों क्वांटिटी का सम 2 या 2 से छोटा आ रहा है। अगर आप माइनस साइन लगा दोगे ये एक्सप्रेशन रहा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -2 या उससे बड़ा। अब अपन 2 का ऐड कर देंगे अगर, तो ये क्या क्वांटिटी आ जाएगी, 0 या 0 से बड़ी। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, मतलब f'(x)≥0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। इसका मतलब है फंक्शन हमेशा क्या है, ऑलवेज एंड ऑलवेज इंक्रीजिंग है। मेरे ख्याल से सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, अपने सपनों को साकार करें, बहुत समय है, पेशेंस रखिएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सर 5 क्वेश्चन की जगह 8 क्वेश्चन कर दीजिए, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, थोड़ा तसल्ली रखें, पहले कंसिस्टेंसी बनने दीजिए, अपने आप को कंसिस्टेंट रखें, डेली क्वेश्चन उठाएं। मैं शाम को क्वेश्चन की लिस्ट डालता हूं, संडे छोड़ के मैं हमेशा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, सीरीज उसे तसल्ली से बनाएं उन 5 क्वेश्चन को, और जो ना बने उसके लिए वीडियो जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।